بسم الله الرحمن الرحيم चमकती है उससे बेहतर है वो शब।
ये नवे माह फरमा रहे हैं कि ऐसी शब है रबज रजब में कि दुनिया के ऊपर, दुनिया के हर शय के ऊपर सूरज की रोशनी जो पड़ती है उससे बेहतर है ये शब, अफसल है शब। और शब में इमाम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात को बेदार होकर इबादत में गुजारे उसे 60 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है, 60 ईयर्स, यानी उसने इबादत की, अगर फकत आज की शब वो इबादत में गुजारे। ये इमाम मासूम फरमा रहे हैं, कौल मासूम, इस कदर अजमत है 60 साल की बात जगाना। जरा सोचे 60 साल के इंसान एक शब में ये इबादत का सवाब हासिल कर ले। और इमाम फरमाते हैं कि दूसरा अमल ये है कि आज की रात 12 रकात नमाज है, 12 रकात नमाज दो दो रकात करके फजर की तरह पढ़ ले। इमाम ने कहा कि सूरह अलम के बाद जो सूरह तुम चाहो वो तुम पढ़ लो, अगरचे इमाम ने कहा कि सूरह मुफस्सलात में से सूरह मोहम्मद से लेकर जो आखिर कुरान तक जितने सूरह हैं उनमें से कोई भी एक सूरह जो है सो आप पढ़ सकते हैं। मुख्तसर सूरह जैसे हम फजर में पढ़ते हैं वैसे ही आप दो दो रकात करके 12 रकात नमाज पढ़ लें, ये 6 नमाजें। उसके बाद इमाम कहते हैं नमाज खत्म करने के बाद 7 चीजों को 7 मरतबा पढ़ना है, सूरे अलहम्द, सूरे फलक, सूरे नास, सूरे कुलु अल्लाहु अहद का सूरा, सूरे तौहीद, फिर सूरे कद्र और आयतल कुर्सी, सूरे काफिरून, ये 7 चीजें 7 मरतबा पढ़ना, सूरे अलहम्द, फलक, नास, सूरे तौहीद जिसे कुलु अल्लाहु अहद का सूरा कहते हैं, सूरे काफिरून, सूरे कद्र इन्ना अंजलना का सूरा और आयतल कुर्सी, 7 मरतबा इन 7 चीजों को पढ़ लें। उसके बाद एक छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है, वो दुआ पढ़ लें। इमाम कहते हैं कि जो हाजतें हैं अल्लाह पूरी करता है इस अमल के सदके, इस कदर अजीम अमल है। और तीसरा अमल आज की शब का अमल ये है कि गुस्ल करें, आज की शब मुस्तहब है कि गुस्ल कर लें आज की शब। उसके बाद एक और दुआ इमाम ने बताई है, थोड़ी मुफसल दुआ है वो आज की शब की दुआ, वो दुआ का पढ़ना कि जिसमें भी सजदे में जाकर भी कुछ पढ़ना है आपको 100 मरतबा शुक्रन शुक्रन, उसके बाद सजदे से उठकर फिर मुख्तसर से एक दुआ पढ़ना है, फिक्रा पढ़ना है, ये अमल अंजाम देते। उसके बाद जो आज का जो अजीम तरीन अमल है आज की शब का वह है ज़ियारत मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब जमाना। इब्ने बतूता अपने सफरनामे में ये लिखते हैं कि जब ये मक्के मुअज्जमा से ज़ियारत करते हुए नजफ अशरफ से जब इनका रास्ता पड़ा तो ये कहते हैं कि मैं नजफ अशरफ पहुंचा कि जहां पर राबजियों का शहर था यहां पर पूरे के पूरे राबजी रहा करते थे, क्योंकि वो खुद अहले सुन्नत के आलिम थे। तो वो कहते हैं कि नजफ अशरफ राबजियों का शहर, और इत्तेफाक से जब वो पहुंचते हैं कि 27 रजब की शब होती है, कहते हैं कि इस शब में सारे लोग दुनिया भर से खुरासान से इस्फहान से रोम से नजफ अशरफ आते हैं आज की शब दर करने के लिए 27 रजब। और ये लोग मोतकिद हैं कि जो लोग अपाहिज हैं, जो जिस्मानी बीमारी रखते हैं कोई कमजोरी की इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, वो 27 शब की रात में 27वीं शब की शब में नजफ अशरफ में मौला के हरम में शिफा मिलती है। और उसने कहा कि लोग इस कदर लोग जमा हो जाते हैं, कहा कि 30 से 40 अफराद उस जमाने की बात है, जमाने में जो सफर है बड़ा सख्त हुआ करते थे लोग, उसके बावजूद भी अपने अपाहिजों को लेकर आते और बहुत सारे लोग जमा हो जाते, कोई अपनी हाजतों को लेकर आता और कई लोग ये देखने आते हैं कि कैसे मोजिजा होता है। ये इब्ने बतूता अपने सफरनामे लिख रहा है कि उसके बाद लोग जमा होते हैं और उसने कहा कि मैंने देखा है और बावसूख तरीकों से मुझे इत्मीनान के साथ ये बात वाजे हुई है कि शफा मिलती है, जो भी यहां आता है शब उसे शफा मिलती है, यानी जो
पैदाइशी इंसान बीमार हो, लंगड़ा लूला हो, अंधा बहरा हो, नजफ या अशरफ में हरम में शिफा मिलती है। मैंने तीन अफराद को देखा कि जो खुरासान से था, एक रोम से था और एक इस्फहान से था, और ये लोग अपाहिज थे। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम्हें क्यों शिफा नहीं मिली, तो इन्होंने कहा कि हमने शब दर्द नहीं किया, हम ताखीर से यहां पहुंचे, शब 27 गुजर चुकी थी, अब हम आइंदा साल का इंतजार करेंगे यहां पर ताकि 27वीं शब में दर्द हो जाए। ये अपने बेतुता अपने सफरनामे में लिखता है, 27वीं शब इस कदर असीम शब है। आज की शब मौलाए कायनात की जियारत का पढ़ना मुस्तहब है, और 27वीं रजब जो ईद मबास है, यानी बेसत पैगंबर है कि जहां पर पैगंबर को ऐलान नबूवत का हुक्म आया है, ऐलान रिसालत का हुक्म आया है, जनाब जिब्राइल आए और आकर आपको ऐलान रिसालत कहा कि अब आप ऐलान करें, इसलिए कि हम मुतकिद हैं कि नबी नबी थे जब आदम आबो गिल में थे, कुन तो नबी यन, मैं नबी था, पैगंबर नबी थे, नबी बने नहीं, पैगंबर नबी थे, मगर 27वीं रजब ऐलान रिसालत का हुक्म आया कि पैगंबर अब आप ऐलान रिसालत कर दीजिए। और आप देखें हमारे पास कहते हैं गदीर के बाद 27वीं रजब हमारे लिए बड़ी असीम ईद है, इसलिए कि जहां पर नबी ने ऐलान रिसालत किया उसी वक्त ऐलान जानशीन भी कर दिया था, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मेरी मदद करेगा और उस पर ईमान लाएगा वो मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। और यही तो कहा था मुशरिकान अरब ने, कहा कि जब मौलाए कायनात ने तीन मरतबा उठे और मौला ने कबूल किया, तो फिर मुशरिकान जब जाते हुए अबू तालिब से कहते हैं अबू तालिब मुबारक हो अपनी अपने बेटे की विलायत, यानी मुशरिकान अरब को तो समझ में आ गया मगर मुसलमानों को आज तक समझ में नहीं आया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। 27वीं रजब के चंद आमाल है, सबसे पहला अमल 27वीं रजब का गुस्ल है, 27वीं रजब का गुस्ल बड़ी ताकीद है, गुस्ल मुस्तहब है कि 27वीं रजब का गुस्ल करें। और दूसरा अमल 27वीं रजब का है वो है रोजा, रोजे की बड़ी फजीलत है, साल के चार बड़े रोजों में से एक रोजा है, कि साल के चार बड़े अजीम रोजे हैं। तारीखों के एतबार से देखें इस तरह आते हैं 17, 18, 25 और 27, ये चार तारीखें बड़े अजीम तारीखें हैं जिसमें रोजा मुस्तहब है। 17 रबीउल अव्वल, 18 ज़िलहिज्जा हदीर, 25 ज़ीक़ादा, 27 रजब, तारीखों के एतबार से ऐसा 17, 18, 25 और 27। तो 27वीं रजब का साल का बड़ा अजीम रोजों में से है। इसका सवाब यह है कि इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स 27वीं रजब का रोजा रखे गोया ऐसे उसने 70 साल रोजा रखा है, 70 ईयर्स का रोजे का सवाब उसके नामे आमा में लिखा जाता है कि 27वीं रजब का रोजा रखे। उसके बाद तीसरा अमल है सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। रजब में जहां पर ऐलान रिसालत हुआ है ये अहले बैत के लिए बड़ा अजीब दिन है, इसलिए कहा गया है कि बेहतरीन जिक्र, इसलिए कि इस दिन जहां जिक्र करना है, जहां खुशियां मनाना है, तो बेहतरीन जिक्र सलवात है कि इसमें यहां पर दुरूद और रहमतें अल्लाह की हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और याद रखें देखें दुश्मनान अहले बैत को अहले बैत से बड़ी दुश्मनी है जहां पहले भी का जिक्र आ जाए, इसलिए कहा गया है कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें। चौथे इमाम की दुआओं में से आप सही पर जाजिया उठा कर देखें, हर दुआ के फिक्रे के बाद सलवा जरूर होता है, हर पैराग्राफ के बाद एक सलवा, क्योंकि बनी उमैया को चिड़ ये थी कि अहले बैत को क्यों नबी से जोड़ा जा रहा है, नबी ने कहा कि मुझे जुदा ही नहीं करना है मेरे अहले बैत से, मुझ पर नाफे जरूर ना भेजना। इसलिए आज मुसलमानों में देखिए नमाज में जहां पढ़ते हैं तो जहां नबी पर दुरूद भेजते हैं वहां अहले बैत पर भी दुरूद भेजते हैं, और वो मुतअक्किद हैं कि अगर अहले बैत पर दुरूद ना भेजा जाए उनकी नमाज नमाज नहीं होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो 27वीं रजब का अजीम तरीन अमल में से है कि कसरत के साथ दुरूद पढ़े, और दुरूद की फजीलत में तो मैं हमेशा हर मजलिस में पढ़ता हूँ, मैंने अपनी
आदत बना ली, सुन्नत बना ली है, हमने अपने असातिज़ा से सीखा है कि हमेशा याद रखो बेहतरीन जिक्र सलवात है, और हमेशा चाहे जो मौजूद रहे हमेशा सलवात के जरिए इब्तिदा करना चाहिए, क्योंकि हर इब्तिदा और इंतहा जहां सलवात पर होती है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पर होती है, उसका खातिमा व खैर होता है सलवात में मोहम्मद वाले। उसके बाद ज़ियारत रसूलुल्लाह और ज़ियारत मौलाए कायनात 27 रजब मुस्तहब है कि ये दो ज़ियारतें जरूर करें। अगर इंसान नजदीक से हो सकता है तो नजदीक से करें जाकर, अगर नहीं तो फिर आप दूर से ही सही आप जो है ज़ियारत पढ़ेंगे। और आप देख 27 रजब जहां बेइज्जत और रिसालत का दिन है वहां पर मौलाए कायनात की ज़ियारत क्यों मुस्तहब है? जरा सोचें, शबे 27 भी मौलाए की ज़ियारत है और 27 के दिन भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी तो है मुस्तहब, साथ ही साथ मौला की ज़ियारत मुस्तहब है। इसका राज ईदे मुबाहला में तुम्हें पता चलेगा, जहां पर फरमाया कि तुम हम अपने बेटों को बुलाते हैं तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं तुम अपनी नफ्सों को बुलाओ। रसूल खुदा अपने नफ्स के मुकाबले में किसे लेकर जाते हैं? मौलाए कायनात को लेकर आते हैं। रसूल ने बता दिया कि नफ्स से रसूल मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इसलिए 27 रजब को मौलाए कायनात की ज़ियारत मुस्तहब है, इसलिए कि जहां जहां भी नबी का जिक्र होगा अली का जिक्र भी जरूर होगा, मुस्तहब है। उसके बाद फिर 27 रजब का अमल है कि 12 रकात नमाज जिस तरह शब में पढ़ी गई है उसी तरह 12 रकात नमाज है। ये जो 27वीं दिन 27 के दिन कभी भी दिन में आप 12 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। 27 रजब की नमाज पढ़ता हूँ खुदा की नियत से, ये भी फजर की तरह 2-2 रकात करके पढ़े। फिर चार चीज़ों को 4 मरतबा पढ़ने का इस्तेहबाब है, सूरह अलहम, सूरह तौहीद, सूरह फलक और सूरह नस। सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, ये 4 चीजों को 4-4 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद छोटी छोटी दुआएं जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 4-4 मरतबा ये पढ़ने का है, आप किताबें देखकर पढ़ सकते हैं। और फिर एक मुख्तसर सी एक दुआ है, वो दुआ का पढ़ना इस्तेहबाब है। 27वीं रजब को इस दिन की अजमत को एहतराम को रखना सवाब रखा गया है, इसलिए कि हम अहले बैत के चाहने वालों के लिए गदीर के बाद सबसे अजीम तरीन ईद है। 27वीं रजब याद रखें तो बड़ा नसीब थी। और इसी मुनासिबतों में से जो आज 26 रजब में एक मशहूर रिवायत के मुताबिक मोमिन कुरैश इसका लकब है जनाब अबू तालिब, उनकी रहलत का दिन है आज का दिन। और परवरदिगार ने जहां पर कुरान में फरमाया अल जज़ा एहसान इल्ल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? जनाब अबू तालिब के एहसान देखें आप, जनाब हाजरा ने अपने फर्जंद को बचाने के लिए, आप देखें माँ किसे कहते हैं, माँ 7 मर्तबा दौड़ती है अपने बेटे को बचाने के लिए। ना सिर्फ जनाब इस्माइल आपका बेटा है बल्कि वली खुदा है, नबी खुदा है। एक नबी खुदा के लिए जब माँ दौड़ती है तो अल्लाह ने जनाब हाजरा के अमल को शरीयत बना दिया। अब कोई मुसलमान जब हज करता है तो जनाब हाजरा का अमल जरूर अंजाम देता है। अब कोई हमसे यह ना पूछे कि आप लोग आजादारी क्यों करते हैं, आप लोग मातम क्यों करते हैं, आप लोग गिरिया क्यों करते हैं। देखिए अल्लाह ने कुछ इबादतों में अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को रख कर बता दिया कि जहां कोई वली खुदा को बचाता है तो अल्लाह को अमल इतना पसंद आता है अल्लाह जुज़े शरीयत बना देता। जनाब हाजरा के अमल को, हाजरा है अल्लाह के एक नबी खुदा के लिए एक माँ दौड़ती है तो अल्लाह ने जनाब हाजरा को जुज़े हज बना दिया है अमल, कोई हाज हज मुकम्मल नहीं कर सकता। तो जनाब हाजरा ने एक नबी खुदा को बचाने के लिए ये अमल अंजाम दिया तो शरीयत बन गई। जनाब अबू तालिब ने जहां पर नबी को बचाया है, हर कदम पर नबी को बचाया है, कभी बिस्तर अली पर नबी को सुला कर बचाया है। देखें अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि नबी जब शबे हिजरत आप अपने बिस्तर पर अली को सुला दें
ये सुन्नत खुदा ने कहां से सीखी, ये सुन्नत अबू तालिब है कि जनाब अबू तालिब रसूल खुदा के बिस्तर पर कभी अली को सुलाया करते थे, अली के बिस्तर पर रसूल को सुलाया करते थे। इस तरह जनाब अबू तालिब ने पैगंबर की जान को बचाया है जहां पर मुशरिकान कुरैश आपकी जान है। जनाब अबू तालिब के एहसानात है, ये दीन पर जनाब अबू तालिब का एहसान। ये देखिए इंसान की जो खिलकत होती है, जो रिवायत में है कि हर इंसान फितरत खुदा फितरत तौहीद पर पैदा होता है, फतर अन्नास यानी इंसान जो खल्क किया गया फितरत खुदा पर, खुदा की फितरत है। मगर ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये लोग इन्हें मुसलमान बनाते हैं या यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं। रिवायत कि खुदा तो हर इंसान को तौहीद पर बनाया है, हर इंसान की फितरत तौहीद है, खुदा परस्ती है। मगर ये पालने वाले होते हैं उन्हें अपने जैसा बना लेते हैं। अब देखें इस्लाम ने देखा है कि दो बाप अपने बच्चों को तरबियत करता है, एक अबू तालिब है, अबू तालिब ने दो बच्चों की परवरिश की, एक मोहम्मद बना एक अली बना, और दूसरा अबू सुफियान है, एक माविया बना एक यजीद बना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पालने वाले अपने जैसा बना लेते हैं। अब अगर अबू तालिब के ईमान को समझना है तो देख ले कैसे बच्चों की तरबियत की है। अबू सुफियान को पहचानना हो तो माविया और यजीद को पहचान ले, अबू सुफियान को पहचान ले। जनाब अबू तालिब के एहसानात है। और आपने मर्सिया सुना, रुखसती का मर्सिया। सर जरा भी जानते ना 28 रजब बड़ी मुसीबत की शब है, 28वीं शब कि जहां जहरा का जो बाप जहरा है वो मदीना सोना हो गया, ये बाप उजड़ गया। 28वीं रजब बड़ी सख्त रजब है कि जहाँ से मदीने से एक काफिला निकल रहा है। किस कदर ये हमारे शहर हैदराबाद के लिए वाकई इफ्तिखार है कि ये जो अमारियाँ निकलती हैं रात की तारीकी में, ये एक मंजर कशी जो होती है ये कहीं नहीं होती है। जारामिया ये हैदराबाद की तारीख में है। उसके बाद जहां भी गया हैदराबाद के बाद गया है। ये हैदराबाद की खसूसियत है कि 28 रजब जो ये हम मंजर कशी करते हैं कि कैसे मदीने से जहरा का लाल रुखसत हुआ। जाने ग्रामी कोई आशूरा से कम नहीं है ये दिन हमारे लिए, बड़ी मुसीबत का दिन है। जाने ग्रामी 2015 में हम करबला मोहल्ला पहुंचे, अल्लाह हम सबको करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब करबला मोहल्ला में हमर बनी हाशिम के हरम में हमें इजाजत मिली कि सरदाब में हम हमारे काफिले को ले जाकर ज़ियारत कर लें, तो हम सरदाब में गए और सरदाब में जाने के बाद वहां पर ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद एक मुख्तसर सी मजलिस की, और उस मजलिस में मुझे मसाइब पढ़ने का मौका मिला, और उस मसाइब में मैंने मीर अनीस का ये मर्सिये के कुछ बंद पढ़ लिए। ऐसे गिरिया हुआ लग रहा था कि दरो दीवार से गिरिए की आवाज आ रही है। ये बड़ा मेरे लिए जिंदगी में वाकई बहुत ही बड़ा इम्तियाज है मेरे लिए, शायद जखीरे आखिरत है, जखीरे खबर है कि मुझे मौला के हरम में सरदाब में ये मसाइब पढ़ने का मौका मिला और मैंने ये मसाइब पढ़े हैं। मैंने मीर अनीस के इस मर्सिये का जिक्र कर दिया। एक मरतबा जब मौला अपनी माँ की खबर पर रुखसती के लिए जाते हैं तो मीर अनीस ने मंजर कशी की। एक मरतबा कहा कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फदा है मेरे बच्चे मैं सकते उस पर शिकमे गैर से वो है पर मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई, आके अब्बास ने सर रख दिया भाई ने मजार आई।
फरमा जन्नत उल बकी जन्नत मुआल्ला की तामीर देखने नसीब फरमाए आला मराज इकराम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान इस्लाम को नीस को नाबूद फरमा इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा हमें इमाम के आवाज़ अनुसार शुमार फरमा आपसे गुजारिश है मरतबा सूरह हज तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूमिन के साथ फरमा दें मरहूमा सैयदा हशमतुन्निसा मरहूमा ज़ेबुन्निसा बेगम मरहूम सैयद सादिक हुसैन मरहूम मीर सरदार अली मरहूमा ख़ैरुन्निसा बेगम मरहूम सैयद आबिद अली रज़वी इब्ने सैयद कासिम अली रज़वी और जुमला मरहूमीन मोमिन।